इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें, अमरोहा शहर के मोहल्ला पीरजादा के रहने वाले शाहनवाज सिद्दीकी का लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स व फिटनेस फेडरेशन के तत्वाधान में 2 व 3 मार्च को बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में भारत के शाहनवाज सिद्दीकी ने 2 मेडल हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है। गुरुवार को अपने गृह नगर अमरोहा पहुंचने पर एपी हेल्थ क्लब के ओनर शाहनवाज सिद्दीकी का लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर शाहनवाज सिद्दीकी ने युवाओं से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करने के साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मोहम्मद आकिल, वाहिद अली, इमरान खान व अपनी फैमिली को दिया है। और क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। देश की धरती पर जो 2 गोल्ड मेडल आपको मिले हैं, तो इस उपलब्धि पर क्या कहना है? बस एक अलग ही अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग है, अलग ही एक खुशी है कि मैं बैंकॉक गया, अपने देश के लिए खेला और वहाँ भारत का झंडा लहराकर आया हूँ। अल्लाह के शुक्र से 2 गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने, क्लासिक फिजिक डिवीज़न में और बॉडी बिल्डिंग में, दोनों में ही गोल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर मैं खुश हूँ जब 18-19 देशों के लोग खड़े होंगे और फर्स्ट टाइम और आपके देश का राजगान जब स्टेज पर बजता है, तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जाहिर नहीं कर सकता लफ्ज़ों में उस खुशी को कि मैं कितना खुश था, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कितना खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि से नवाजा है, 2 गोल्ड मेडल आए हैं मेरे, मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर गैलेक्सी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थे, इंडिया के लिए मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या मैसेज? युवा पीढ़ी के लिए यही है कि गलत कामों से ध्यान हटाकर थोड़ा अपना 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाएं। आजकल आप वैसे भी देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, बीमारियाँ काफ़ी हो गई हैं, जितना भी हम कुछ खा रहे हैं वो सब सिंथेटिक है, कुछ ओरिजिनल कुछ मिलता नहीं है, और ज़्यादातर युवाओं का ध्यान सेहत की तरफ है नहीं। तो यही कहना चाहूँगा कि 1.5 घंटा अपने जिम को ज़रूर दें, कुछ भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रखें जिससे कि जिस्म से पसीना बाहर निकले। उन्हें जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं उसमें मोस्टली यही है कि 40 के बाद हर आदमी डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, तो बॉडी कहती है कि 3 चीज़ें ज़रूर निकलनी चाहिए और उसमें सबसे मेन है पसीना। तो 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें, किसी भी रूप में करें, स्पोर्ट्स कोई भी हो उसे खेलें ज़रूर। आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे कोच हैं प्रो मेकर मिस्टर इमरान खान जी, और हमारे यहाँ बीएचएफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यूपी के वाहिद अली जी, और मैं अपने फैमिली को इसका सारा श्रेय देना चाहूँगा। इन तीनों लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। बहुत बेहतर। और सब मेरे जितने भी मोहब्बत चाहने वाले हैं, उन सब के बिना, उनकी सपोर्ट के बिना ये कुछ ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था।